सब्सक्राइब करें आप अपने इस चैनल को और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने लास्ट टाइम एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने उसकी अलग अलग टाइप्स देखी थी, जैसे सैंड कास्टिंग की बात की थी हमने, शेल कास्टिंग की बात की थी, वैसे ही प्लास्टर कास्टिंग की बात की थी। ये सब क्या था? एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग की टाइप्स थी। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट कास्टिंग भी एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग की ही टाइप है, तो आज हम इसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग क्या है, इसे हम लॉस्ट वैक्स कास्टिंग भी कहते हैं। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग इसलिए क्यों कहते हैं, इसके बारे में आपको नेक्स्ट की स्लाइड्स में पता लग जाएगा। और इसको इन्वेस्टमेंट कास्टिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पैटर्न है, हम पैटर्न की बात कर रहे थे, वो क्या होता है, इन्वेस्टेड होता है, यानी कि वो सराउंडेड होता है एक रिफ्रैक्टिव मटेरियल से। इसके बारे में भी स्टडी करेंगे क्यों उसको हम सराउंड करते हैं किसी रिफ्रैक्टिव मटेरियल से। तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इसका नाम इसलिए पड़ा, और लॉस्ट वैक्स कास्टिंग क्यों पड़ा इसके बारे में आपको पता लग जाएगा। बहुत सारे मटेरियल्स जैसे कि स्टेनलेस स्टील हो गया, एलॉयज हो गए इसके, स्टेनलेस स्टील के या स्टील के, ब्रास हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कार्बन स्टील ग्लास, इन सबको हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग की मतलब इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें बेसिक स्टेप्स क्या है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग करने के लिए, कैसे कैसे हम प्रोसीड करते हैं आगे की तरफ, ये स्टेप्स का कोई बेनिफिट नहीं है अभी जब तक। हम आपको पहले स्लाइड्स में समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे प्रोसीजर होता है, फिर आप एक बार खुद से इसको देख लेना अगर पढ़ना चाहते हो तो। देखो, इसका हम सबसे पहले का फ्लो चार्ट देखते हैं, यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ से नहीं समझ आएगा तो नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में धीरे धीरे हम डीप में जाते जाएंगे। बट पहले एक ओवरव्यू देख लो कैसे काम होता है, शायद आपको यहीं से समझ आ जाए। सबसे पहले क्या होता है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में, देखो ये थोड़ा सा प्रोसेस जो अभी तक हम कास्टिंग पढ़ते आए हैं, जो अभी तक हमने प्रोसेस पढ़ लिए पहले की वीडियोस में, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी मेन मेन सब कुछ सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा वो हम समझते हैं कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमें जिस भी तरह की कास्टिंग चाहिए, हम स्टार्टिंग में करते जैसे हमें कास्टिंग चाहिए होता था, हम उस तरह के पैटर्न तैयार करते थे, वही काम हमें इसमें भी करना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस तरह की हमें कास्टिंग चाहिए उस तरह का हम पहले एक ड्राइंग बनाते हैं। सबसे पहले जो मेन होता है इंडस्ट्री में, सबसे पहले उसकी ड्राइंग बनाएंगे जिस तरह का हमें चीज़ चाहिए। उस ड्राइंग के बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में हमने क्या कहा था, हम सैंड कास्टिंग देख रहे थे, हम एक बॉक्स लेते थे, कोब ड्रैग, उसमें सैंड डालते थे, सैंड डालने के बाद मोल्ड तैयार करते थे। इसमें वो सब नहीं है, इसमें हम डाई की हेल्प से हम एक मोल्ड तैयार करते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, जिस तरह का हमें पैटर्न, जिस तरह का हमें कास्टिंग चाहिए, हम उस शेप का एक डाई बनाएंगे, ठीक है। फिर हमने डाई का डिज़ाइन कर लिया, यहाँ पर पहले हमें जिस तरह का कास्टिंग चाहिए था उसका डिज़ाइन किया, फिर उस शेप का हमने क्या किया, एक डाई बनाया। मतलब कि जैसे मान लो हमें इस तरह की कोई शेप चाहिए, ये शेप चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, इस तरह की एक डाई बनाएंगे। हमने एक डाई का डिज़ाइन किया, फिर डाई बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर वो डाई बन गया, जब हमारे पास इस तरह का डाई बन गया, हमने क्या किया, उसमें वैक्स डालना स्टार्ट किया। हम पहले क्या करते थे, कुछ जैसे पैटर्न था तो पैटर्न हम किसी मेटल का बनाते थे, किसी भी चीज़ का बनाते थे, उस पैटर्न को हम क्या करते थे, अगर सैंड मोल्डिंग की बात करें, उस पैटर्न को सैंड में डालते थे, फिर थोड़ी देर बाद उस पैटर्न को बाहर निकालते थे, वहाँ पर मोल्ड कैविटी तैयार हो जाती थी। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो मोल्ड बना रहे हैं वो किसकी हेल्प से बना रहे हैं, यहाँ पर हम मोल्ड बना रहे हैं वैक्स की हेल्प से। हमने डाई तैयार की, जिस तरह का हमें कास्टिंग प्रोडक्ट चाहिए था उस तरह का डाई हमने बनाया। डाई बनाने के बाद हमने क्या किया, वहाँ पर वैक्स डालना स्टार्ट कर दिया। मान लो हमने इस तरह के डाई बनाया, हमें इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए था, हमने क्या कर दिया, इसमें वैक्स डालना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे हमने इसमें वैक्स डाला तो वैक्स इसमें फिल हो जाएगा और हमें इस तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा। मतलब हमारे पास पैटर्न तैयार हो गया, पहले भी हम पैटर्न तैयार कर रहे थे, यहाँ पर हमने पैटर्न तैयार किया, बस डिफरेंस ये कि हमने वैक्स की हेल्प से वो पैटर्न तैयार किया। पैटर्न तैयार होने के बाद हमें अगर और भी ज़्यादा इस तरह के सिमिलर कुछ एक से ज़्यादा पैटर्न बनाने हैं तो हम फिर वैसे ज़्यादातर इसमें क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट ही बनाए जाते हैं मैक्सिमम टाइम। तो हमें क्या करना है, इस तरह के अगर और भी प्रोडक्ट्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसी तरह के और भी हम पैटर्न तैयार करेंगे। उन पैटर्न को तैयार करने के बाद एक क्लस्टर बना देंगे, मतलब क्लस्टर असेंबली आ गई। यहाँ पर हमने रनर लगाया हुआ है, गेटिंग सिस्टम मतलब कह सकते हो, और उसके साथ अलग अलग जितने भी हमने असेंबली बनाए, जितने भी पैटर्न बनाए, उन सबको इसके साथ अटैच कर दिया। जैसे ये एक बनाया था, इसी तरह के और भी बना दिए, यहाँ पे चार बनाए, तो इन चारों को यहाँ पर अटैच कर दिया, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्या काम होगा, हमने मोल्ड तैयार कर लिया। मतलब अब वो समझेंगे कैसे मोल्ड तैयार हुआ, एक तरह से हमने फिलहाल तो हमने पैटर्न ही तैयार किया है, ये पैटर्न हमने यहाँ पर लगा दिया।
अब उसके बाद हमने क्या किया, इसका मोल्ड बनाना है, क्योंकि हम मोल्ड बनाएंगे मतलब कैविटी बनाएंगे तभी तो उसमें मोल्टन मेटल डालेंगे। अब ये तो सॉलिड है एक तरह का, तो इसमें मोल्टन मेटल कैसे डालेंगे, तो इसको मोल्ड बनाना पड़ेगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे लगा दिए जितने भी पैटर्न थे, हमें चाहिए थे, हमने सारे पैटर्न यहाँ पर लगा दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक हम इसको स्लरी रखी होती है, एक बॉक्स कह सकते हैं, उसमें स्लरी पड़ा होता है, उसमें हम क्या करते हैं इसे डिप करते हैं। ये जो हमारे पास क्लस्टर की असेंबली आएगी, स्लरी बेसिकली क्या आएगी, इसमें सिलिका ऐड होता है, सिलिका पड़ा होता है, जिरकोन होता है, इस तरह से एलुमिना, कुछ इस तरह से कुछ चीज़ें पड़ी होती है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं बाइंडिंग मटेरियल होते हैं, जो कि क्या करेंगे बाइंडिंग मटेरियल्स का क्या यूज़ अभी समझाएंगे आपको। ये देखो यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स है, हमने क्या किया, ये जो पूरा ट्री था हमारे पास या क्लस्टर असेंबली थी, इसमें हमने क्या किया, इस स्लरी को, जो स्लरी था यहाँ पे, हमने इसकी कोटिंग की, मतलब उस पर डिप किया। इसमें कुछ स्लरी पड़ा हुआ था, कुछ सैंड था या कुछ सिलिका था, कुछ और बाइंडिंग मटेरियल्स थे, हमने क्या किया इस क्लस्टर असेंबली को उसमें डिप किया। उसमें डिप करने के बाद इसे बाहर निकाला, और फिर ये इसमें इस साइड, उसके बाद हमने क्या किया, इसमें कुछ सिरेमिक मटेरियल्स थे वो इसमें हमने फेंकना स्टार्ट कर दिए, स्प्रिंकल कर दिए। उससे क्या होगा, अब सिरेमिक मटेरियल्स हमने फेंके, तो जब हमने यहाँ पे कोटिंग की थी स्लरी की, तो इसमें बाइंडिंग मटेरियल था, उसके कारण क्या होगा, जैसे हम कोट इसके ऊपर फेंकेंगे वो सिरेमिक मटेरियल्स के पार्टिकल्स या फाइन ग्रेन्स, तो वो क्या होगा यहाँ पे स्टिक हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर स्टिक हो गए, तो ये प्रोसेस हम बार बार करते जाएंगे, मतलब जितनी हमें थिकनेस चाहिए थी, हमने पैटर्न इस इतना साइज था पैटर्न का, हमें शायद से क्या होता है कि बस ज़्यादा थिकनेस चाहिए होती है, तो हम क्या करेंगे 3 4 बार, जितनी बार जब तक हमें वो डिजायर्ड थिकनेस नहीं मिल जाएगी, तब तक हम इसे क्या करेंगे, इस कोटिंग स्लरी कोटिंग करेंगे, उसके बाद उसमें सिरामिक मटेरियल की स्प्रिंकल करेंगे, फिर से उसे डिप करेंगे, फिर से सिरामिक मटेरियल उस पर फेंकेंगे, तो जब तक हमें थिकनेस मिल जाती है तब तक हम करते रहेंगे। ये सब कर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, मतलब कोटिंग वगैरह कर ली, कोटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हम यहाँ पर ले आएंगे, मतलब एक तरह से इसे हीट अप करेंगे, हीट अप, ये पूरा प्रोसेस होगा इसे हीट करने का, ओवन पे ले जाकर क्या करेंगे हम इसे हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या था, बाहर सिरेमिक मटेरियल लग गया था इसके बाहर, ठीक है, अब जैसे हीट करेंगे, अब वो तो वैक्स है, वो तो वैक्स है, तो वो पिघल जाएगी या वेपोराइज हो जाएगी, पिघल जाएगी वैसे बेसिकली, तो वो वैक्स जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। वैक्स अगर रिमूव हो गई तो क्या बचेगा, बाहर की जो सिरेमिक की कोटिंग थी वो बच जाएगी, और अंदर से क्या हो जाएगा, कैविटी मतलब अंदर से खाली हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वैक्स जो थी हम उसको हीट कर रहे थे, वो तो पिघल जाएगी, वैक्स तो गायब हो गई, मतलब हमारे पास कैविटी बच गई। उसके बाद दोबारा से तो बेकिंग की जाती है, दोबारा से क्यों, कुछ मॉइस्चर रह जाता है उस वैक्स के कारण, या कुछ थोड़ा बहुत वैक्स अभी भी रह जाता है, दोबारा से कुछ टेम्परेचर मिला के इसकी बेकिंग की जाती है, ताकि कोई मॉइस्चर ना रहे, बिल्कुल भी वैक्स ना रहे। अब क्या होगा, हमारे पास सिर्फ बाहर सिरेमिक की कोटिंग रहेगी, और बीच में पूरी हमारे पास मोल्ड कैविटी रह गई है। अब वो मोल्ड कैविटी मतलब खाली खाली चीज़ रहेगी, खाली जगह रहेगी, वहां पे हम क्या कह सकते हैं, कोई भी मोल्टन मेटल जो हमें डिजायर्ड है, उसका मोल्टन मेटल जो है हम क्या करेंगे इसके बीच में इंसर्ट करेंगे, मतलब मोल्ड कैविटी में डालेंगे। जैसे मोल्टन मेटल्स में इंसर्ट करेंगे, तो वो क्या होगा, वो शेप ले लेगा, जैसे हमारे पास ये शेप थी, तो अगर मोल्टन मेटल्स में डालेंगे तो वो इसी शेप में आएगा, और हमारे पास इसी तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा, बेसिक जैसे कास्टिंग था वैसा सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, अब मोल्ड मेटल डाल दिया, मोल्टन मेटल डाल दिया, हमें कास्टिंग मिल गया, मतलब एक तरह से कास्टिंग तैयार होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो अब कास्टिंग तो हमें मिल गई, लेकिन बाहर सिरामिक मटेरियल अभी भी है, फिर हम उस सिरामिक मटेरियल को बाहर निकालते हैं या तोड़ते हैं, किसी भी तरह से उसको अलग करते हैं सिरामिक मटेरियल को, वो करने का सिरामिक मटेरियल अलग कर, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है सिर्फ कास्टिंग कास्टिंग बच गई, बाकी जो बाहर के मटेरियल है वो सारे हमने अलग कर दिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, सारा सिस्टम क्या आ गया, कट ऑफ करने का, मतलब कि जो हमारे पास अलग अलग, हमारे पास अलग अलग पैटर्न्स बनाए थे, अलग अलग मोल्ड थे, अब हमारे पास अलग अलग कास्टिंग्स तैयार हो गई, इन सब कास्टिंग्स को स्केटिंग सिस्टम से अलग किया जाता है। यहाँ तक क्या हुआ, सारा अलग कर दिया, उसके बाद इसकी हीट ट्रीटमेंट अगर करना चाहे तो उसको दोबारा से हीट ट्रीटमेंट करते हैं, इसकी हार्डनेस बढ़ाने की, जो भी हमें प्रॉपर्टीज चाहिए उन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम इसकी हीट ट्रीटमेंट करते हैं। हीट ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं, जो हमें प्रॉपर्टीज चाहिए होती है उसके अकॉर्डिंग। अब हीट ट्रीटमेंट कर लिया, उसके बाद ये स्टेज आगे, इसकी इंस्पेक्शन की जाती है, स्ट्रेटनिंग वगैरह की जाती है, और उसके बाद देखो इसमें क्या होता है, ज़्यादातर हमें मशीनिंग की जरूरत नहीं पड़ती इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में, लेकिन फिर भी कई बार पड़ती है, तो हम उसकी इंस्पेक्शन करते हैं, मतलब मशीनिंग वगैरह करते हैं, फिर उसकी मशीनिंग कर ली, जो प्रोसेस हमने जो भी अप्लाई करना है वो कर लिया, फिर सरफेस फिनिश बढ़ा दी, सरफेस ट्रीटमेंट अगर लग रहा है सरफेस फिनिश से बेटर नहीं है तो सरफेस फिनिश बढ़ाते हैं उसकी। उसके बाद लास्ट में उसकी फाइनल इंस्पेक्शन की जाती है, फाइनल इंस्पेक्शन करने के बाद उसको जहाँ पर भी हमें प्रोडक्ट को बेचना होता है हम वहाँ पर उसको बेच देते हैं। तो ये था इसका फ्लो चार्ट, बेसिकली कैसे काम करता है। अब इसको थोड़ा और डीप में समझने की कोशिश करते हैं, अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आया तो। हमारे पास क्या था, जैसे मान लो हमें इस तरह के हमें पैटर्न कास्टिंग चाहिए था, तो हमने क्या किया, उसके लिए इस तरह का वैक्स तैयार किया, सॉरी मतलब डाई तैयार किया, डाई में हमने वैक्स डाला और हमें इस तरह का एक पैटर्न मिल गया, जैसे कि हमने लास्ट में डिस्कस किया।
अब अगर हमें और भी इस तरह के पैटर्न चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोबारा से फिर ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। इसी टाइम में हम फिर से वैक्स डालेंगे और इस तरह के पैटर्न्स तैयार करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने क्लस्टर बना दिए, कितने बड़े पैटर्न्स तैयार कर लिए, इसे इस गेटिंग सिस्टम से जोड़ दिया। फिर शेल बिल्डिंग, मतलब जो हम बात करते हैं कोटिंग वगैरह की, यहाँ पे वो की जा रही है, एक स्लरी या इसमें डिप किया जा रहा है, वो सारा सिस्टम आ गया यहाँ पे शेल बिल्डिंग वाला। उसके बाद हमने क्या किया, इसे जब इसमें कोटिंग वगैरह कर ली, कोटिंग करने के बाद हमने क्या किया, डी वैक्स, मतलब वैक्स जो रिमूव कर रहे थे हीट करने के बाद, एक वो वैक्स सारी बाहर निकल गई और सिर्फ सिरामिक मटेरियल बच गए। अब यहाँ पर अंदर मोल्ड कैविटी, मतलब अंदर खाली खाली कैविटी बच जाएगी, खाली स्पेस बच जाएगी। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, ये हमारे पास गेटिंग सिस्टम रहा, यहाँ से हम इसमें क्या करेंगे, मोल्टल मेटल डालेंगे और इस रनर के थ्रू होता हुआ इन सभी मोल्ड कैविटीज में जाएगा और हमें डिजायर्ड शेप मिल जाएगी। अब कास्टिंग तैयार हो गया, हम यहाँ पे हैमर से किया जा रहा है, हैमर से या वाइब्रेशन से भी, कई बार सिर्फ वाइब्रेशन वाइब्रेट किया था, वाइब्रेट करने से सिरामिक मटेरियल हट जाता है, कई बार हैमरिंग की जाती है। यहाँ पे किया जा रहा है, बाहर सिरामिक मटेरियल था उसे रिमूव किया जा रहा है। अब सिरामिक मटेरियल हटा दिया, उसके बाद क्या करें, हम जो कास्टिंग थी उसे यहाँ से अलग किया जाता है सभी कास्टिंग्स को, और हमारे पास इस तरह की कास्टिंग्स मिल गई। एक बार और देख लो, हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया था, हमने वैक्स तैयार किया, मतलब डाई तैयार किया, डाई में वैक्स चला, पैटर्न मिल गई। अब अलग अलग पैटर्न, जैसे हमारे पास ये एक पैटर्न मिल गया, हमने इस तरह के और पैटर्न तैयार किए और एक पैटर्न ट्री बना दिया, ठीक है। अब ये गेटिंग सिस्टम आ गया पूरा, स्प्रू, जैसे स्प्रू की बात की थी, राइजर वगैरह सब, वो सिस्टम आ गया यहाँ पर। हमने क्या किया, उसके बाद यहाँ पे सिरेमिक स्लरी है इस तरह की, देखो अब इसकी थिकनेस कम थी, हम इसमें डिप करते गए, डिप करते गए, फ्लास्क में ये पड़ा हुआ, तो इससे क्या होगा, इस पे देखो बाहर कोटिंग होगी उस चीज़ की पूरी। अब कोटिंग होने के बाद हम क्या करते हैं, ये कोटिंग होगी, इसके बाद हम इसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद क्या होगा, जो अंदर इसका वैक्स है वो सारा मेल्ट होकर बाहर आ जाएगा और सिर्फ ये बाहर की जो कोटिंग है ये बच जाएगी। फिर हम इसमें लैडल की हेल्प से मोटल मेटल डालेंगे, मतलब ये ऊपर क्या था, स्क्रू था, स्क्रू में जाएगा फिर अंदर से होता हुआ, गेटिंग सिस्टम है पूरा, इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये गेटिंग सिस्टम से होता हुआ ये इन कैविटी पर जाएगा और ये अंदर फिल हो जाएगा, तो इसी तरह की हमें कास्टिंग मिल जाएगी। और बाद में हम क्या करेंगे, जो बाहर की एक जो बाहर का जो मटेरियल था जिसे तोड़ेंगे और बीच में इस तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा, और जब ये प्रोडक्ट मिल गया फिर इसे यहाँ पे ब्रेक करके अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और जहाँ भेजना है वहाँ भेज देंगे। अगर इंस्पेक्शन तो करेंगे ही करेंगे, बट अगर फिनिशिंग चाहिए तो वो भी करेंगे। ज़्यादातर इसमें जो तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से फिनिशिंग की जरूरत नहीं होती। तो ये था बेसिकली इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का प्रोसेस, की इन्वेस्टमेंट कास्टिंग कैसे होता है, क्या होता है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में। अब मैं बता रहा था कि इसका नाम लॉस्ट वैक्स वो भी है, वो लॉस्ट वैक्स क्यों है, क्योंकि इसमें देखो वैक्स जो लॉस्ट होती जा रही है, पहले वैक्स को हम यूज़ कर रहे थे, इसको जब हीट किया तो वैक्स जो वहाँ से गायब हो गई, लॉस्ट हो गई, तो इसलिए इसको लॉस्ट वैक्स कास्टिंग भी कहा जाता है। और इन्वेस्टमेंट कास्टिंग क्यों, क्योंकि हमने कहा था इसको इन्वेस्ट किया जाता है, मतलब इसको सराउंड किया जाता है बाहर सिरेमिक मटेरियल। तो देखो ये था हमारे पास वैक्स और इसके बाहर हमने क्या किया, कोटिंग कर दिया, तो इसको सराउंड करते, तो इसलिए इसको इन्वेस्टमेंट कास्टिंग कहा जाता है, ठीक है। अब इसकी एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस में ये है कि कुछ जो कॉम्प्लेक्स पार्ट्स हैं उनको हम इजीली कास्ट कर सकते हैं, हमें डायमेंशनल एक्यूरेसी बढ़िया मिलती है, सरफेस फिनिश भी बेटर मिलती है, और जो वैक्स वहाँ पे मेल्ट होता है उसको हम दोबारा से यूज़ भी कर सकते हैं, और एडिशनल मशीन जैसे बात करते तो ज़्यादातर नहीं चाहिए होती है, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस ये है कि बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे स्टेप हमें करने पड़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, हर एक मतलब स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे इसमें। और दूसरी बात की जाए तो अगर बाकी मेथड से, बाकी प्रोसेस से अगर कंपेयर किया जाए तो थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। देखो तो डाई कास्टिंग और सैंड कास्टिंग की अगर बात करें तो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, लेकिन अगर हम सिंगल बात करें, मतलब पर यूनिट कास्ट की बात करें, तो ये जो होगा इसमें वो, अगर बड़े बड़े वॉल्यूम्स की बात करें, बड़े बड़ी चीज़ों की कास्टिंग करें, तो अगर पर यूनिट की बात करें तो वो थोड़ा चीप रहेगा, बट अगर ओवरऑल बात करें तो ये जो है प्रोसेस जो है कॉस्टली रहता है, ठीक है। और बाकी ये इसका बेनिफिट्स तो आपने देख लिया, कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को भी इजीली बना सकते हैं, एडिशनल मशीन नहीं चाहिए होती, ये सब इसके एडवांटेजेस आ गए। अब एप्लीकेशंस, ये सब आप देख सकते हो, सारे इसके एप्लीकेशंस ही हैं जो आपको देख रहे हो सामने स्क्रीन पर। और उसके साथ साथ क्या है कि यहाँ पे अगर बात करें तो एरोस्पेस इंडस्ट्री में इसके एप्लीकेशन से, या टर्बाइन गैस पावर प्लांट की बात करो, टर्बाइन के ब्लेड्स जो बनते हैं या वो इसी मेथड से बनाए जाते हैं, ये नहीं कि सिर्फ इसी मेथड से बनाए जाते हैं, बट बेसिकली इस मेथड से भी बनाए जाते हैं। और बाकी बात करो आप तो जैसे फायरमैन में ट्रिगर्स होते हैं, हैमर्स होते हैं, ये जो हथौड़े हो गए, या बाकी कोई भी प्रिसाइज पार्ट होगा उसकी हेल्प से बनाए जाते हैं। मिलिट्री में इसके एप्लीकेशन से, मेडिकल में, ऑटोमोबाइल की बात करो वहाँ पर एप्लीकेशन से, यहाँ पर आप देख सकते हो गियर हो गया, ये स्टेयरिंग हो गया, या क्रैंक शाफ्ट के बारे से प्रोसेस बनाई जाती है, बेल्ट पुली सिस्टम हो गया, तो बहुत सारी एप्लीकेशन है इसकी। और उसको देखा, उसके अलावा एक छोटी सेटेलाइट भी बनाई गई थी, उसका मोल्ड भी तैयार किया था इसी इन्वेस्टमेंट कास्टिंग की हेल्प से, उसकी एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो आज की वीडियो में ये बस इतना ही है, ये था इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के बारे में। तो अब इसके बाद बाकी की जो कास्टिंग की टाइप्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।